नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है वर्णिका और मैं स्वागत करती हूँ आपका मम्मी ट्यूबर इंडिया में। आज के वीडियो में मैं एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पूरी कर रही हूँ। उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि वो हिंदी इंग्लिश बाईलिंगुअल बुक्स बच्चों के लिए स्टोरी बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, हम में से कई लोग होते हैं जिनको बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है क्योंकि ये हमारी मातृभाषा नहीं है। पर अगर हम बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करें? तो इसके लिए होती हैं बाइलिंगुअल बुक्स, यानी एक ही बुक में दोनों लैंग्वेजेस में डिस्क्रिप्शन दिया गया होता है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ बहुत अच्छी बुक्स के बारे में बताने जा रही हूँ। ये पार्ट वन है, इसका पार्ट टू भी बहुत जल्दी आएगा। मैं दोनों एक साथ बनाती तो बहुत लंबा हो जाता, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बुक्स दिखाने से पहले मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि बच्चों को बहुत ही छोटी उम्र से बुक्स पढ़ाने की शुरुआत कर देनी चाहिए। कई बुक्स होती हैं जिनके पीछे लिखा रहता है फॉर 3+ ईयर्स या 2+ ईयर्स। आप उन बुक्स को भी बच्चों के साथ लेके बैठ सकते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे मैं अपनी 7 महीने की बच्ची के साथ बुक्स लेके बैठती थी, और जब वो बड़ी हुई मुझे लगता था कि उसको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आज वो 2.5-3 साल की है, आज उसको वो बुक्स एक तरह से याद हो चुकी हैं। तो सबसे पहली बुक जो मैं आपको रेकमेंड करूँगी बाइलिंगुअल बुक, ब्राउन बेयर, ब्राउन बेयर व्हाट डू यू सी। मेरे पास ये बुक सिर्फ इंग्लिश में है, लेकिन ये दोनों लैंग्वेजेस में, यानी कि एक बाइलिंगुअल बुक भी आती है जिसमें एक लाइन इंग्लिश में लिखी होती है, फिर उसके नीचे हिंदी की लाइन भी लिखी होती है। ये काफ़ी अच्छी बुक है इसलिए क्योंकि इसमें बड़े पिक्चर्स हैं, सिर्फ 1-2 लाइन्स हैं, तो आप छोटे बच्चों के साथ बैठ के ज़रूर शुरू करिएगा। कलर कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है, एक पेज पे एक ही कलर कॉन्सेप्ट बताया है। ये मैंने ली थी करीब, इसमें 299 प्रिंटेड है, लेकिन मैंने डिस्काउंट के बाद करीब 250 रुपीज़ की ली थी। दूसरी बुक है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो है ये तुलिका बुक्स की मेरा घर, माय हाउस। ये एक बाइलिंगुअल बुक है, इसमें 2 छोटे बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं। ये बुक भी कलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ये देखिए, जैसे आप देख सकते हैं इंग्लिश की लाइन है, उसी के नीचे हिंदी की भी लाइन है। बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, आपके बच्चे को ज़रूर पढ़ के पसंद आएगी और रिलेट कर पाएगा इसको। ये मैंने ली थी करीब 120 रुपीज़ की। इसमें 3+ ईयर्स लिखा है, यानी 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है, बट ये भी मैंने तभी ली थी जब मेरी बेटी 2 साल की थी और उसे ये बुक बहुत अच्छी लगती है। तीसरी बुक जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है नो, नहीं। इसमें एक छोटी सी बच्ची है, वो उठना नहीं चाहती है, उसके पापा बहुत कुछ करते हैं उसको उठाने के लिए, उसको नई फ्रॉक, उसका फेवरेट नाश्ता सब बना के देते हैं, पर वो नहीं उठना चाहती है। और एंड में उसके पापा कुछ ऐसा बोलते हैं कि वो खुद से उठ के ये सारे काम करने लगती है, अपने आप ब्रश करती है, नहाती है, ड्रेस पहनती है, अपने बाल कोम करती है, जूते मोजे पहनती है। और ये जानने के लिए कि उसके पापा क्या बोलते हैं उससे जो ये सब वो करने लगती है, उसके लिए आपको ये बुक लेनी पड़ेगी। चौथी बुक जो मैं रिकमेंड करूँगी वो है ये उल्टा पुल्टा, अपसाइड डाउन। इसमें एक छोटे बच्चे को बहुत अच्छी इमेजिनेशन उसकी यूज़ की गई है कि कैसे अगर दुनिया की हर चीज़ वो उल्टा देखता तो उसको कैसा लगता। ये बुक मैं आपको दिखा इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि ये मैंने बुक लेके एक और बच्चे को गिफ्ट करी थी, लेकिन ये बुक भी मुझे बहुत पसंद आई थी। पांचवी बुक जो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ वो है ये सीड, द सीड, बीज। ये बुक भी बहुत अच्छी है, इससे बच्चों को गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट पता चलता है, बच्चों को पता चलता है कि खाने पीने की चीज़ें कहाँ से आती हैं। बाइलिंगुअल बुक है, ये भी मैंने एक बच्चे को गिफ्ट करी थी इसीलिए मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, बट ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा एक और बुक जो है जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो है द वेरी हंग्री कैटरपिलर। ये बुक कौन नहीं जानता, ये बुक मेरे पास इंग्लिश में है, ये हिंदी में नहीं है मेरे पास, मतलब बाइलिंगुअल नहीं है मेरे पास, पर एक ये तो क्लासिक बुक है जो शायद हर बच्चे के पास होगी।
या फिर हर स्कूल की लाइब्रेरी में होगी। इसके फॉर्मेट्स आते हैं, पेपर बैक में आती है, हार्ड कवर में आती है। मेरे पास पेपर बैक फॉर्मेट है, हार्ड कवर थोड़ा एक्सपेंसिव था इसीलिए मैंने नहीं लिया। ये बुक मैंने तब ली थी जब मेरी बेटी करीब 8-9 महीने की थी। मैं तब से ये बुक उसको पढ़ाना शुरू कर रही हूँ और ये बुक आज भी उसकी फेवरेट है। ये देखिए कैसे इसमें बताया गया है कि ये कैटरपिलर बहुत भूखा रहता है, वो क्या क्या खाता है, उसके बाद क्या क्या इतनी सारी चीज़ें एक साथ खा लेता है, उसका पेट दर्द होता है, फिर वो लीफ खाता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, ककून फॉर्म होता है और कैसे वो एक बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई बन जाता है। इस बुक का भी प्रिंटेड प्राइस है 299 रुपीज़ और मैंने इतने पे ही ली थी। और जो लास्ट बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो है लाइन एंड सर्कल। ये इंग्लिश मराठी बायलिंगुअल है, ये इंग्लिश हिंदी में भी आती है। मैंने इंग्लिश मराठी इसलिए ऑर्डर करी क्योंकि मैं 4 साल से पुणे में महाराष्ट्र में रह रही हूँ और मुझे एक्चुअली मराठी सीखनी है और अपनी बेटी को भी छोटी उम्र से सिखानी है। तो ये बुक मैंने ली थी, इसमें एक लाइन इंग्लिश में है, एक लाइन मराठी में है। बायलिंगुअल में एक लाइन इंग्लिश में होगी, एक लाइन हिंदी में होगी। ये बुक भी काफ़ी अच्छी है। इसमें पहले तो नंबर्स का कॉन्सेप्ट बताया गया है, लाइन सर्कल कितने हैं लाइन और सर्कल, फिर आप लाइन को एक इमेजिनेशन के थ्रू, बच्चे की इमेजिनेशन के थ्रू ऐसे मोड़ के क्या बना सकते हो, जिगजैग बना सकते हो, फिर लाइन और सर्कल एक साथ ग्रुप हो जाते हैं, ग्रुप होने के बाद इमेजिन करते करते क्या क्या बनने लगता है, सर्कल और लाइन ग्रुप होके सन बना सकते हैं, उसके बाद फ्लावर्स बना सकते हैं, फेसेस बना सकते हैं, एक्सप्रेशंस बना सकते हैं, ऐसे करके सर्कल और लाइन मिलके क्या बना सकते हैं और वो लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। ये बुक भी तुलिका पब्लिकेशंस की है, 3+ एज लिखा था, 95 रुपीज़ की है। इससे याद आया कि मैं सारे बुक्स का लिंक कहाँ से ली है मैंने और किस पे अवेलेबल हैं प्लस इनका प्राइस सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो अब लास्ट में मैं बस एक बात और कहना चाहूँगी कि मैं ज़्यादातर हिंदी राइटर्स, इंडियन राइटर्स की बुक्स प्रेफर करती हूँ, फॉरेन राइटर्स की भी करती हूँ। मेरे पास बहुत बुक्स फॉरेन राइटर्स की भी हैं लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड है। मेरे पास इंडियन राइटर्स की ज़्यादा बुक्स हैं और इसके दो रीज़न्स हैं। पहला जो बड़ा रीज़न है वो ये है कि बच्चे इंडियन राइटर्स की बुक में जो देखते हैं उसको अपने आसपास के एनवायरनमेंट से रिलेट कर सकते हैं। जैसे ये बुक है महारानी द काउ, ये बायलिंगुअल नहीं आती है, इंग्लिश में आती है और अलग से हिंदी में आती है। लेकिन ये बुक में जैसे कि दिया गया है कि एक काउ बैठ जाती है रोड के बीचों बीच, बहुत ट्रैफिक जाम होता है और उस ट्रैफिक जाम के भी आप पिक्चर्स देखिए ज़रा, ऐसे ही होता है हमारी इंडियन रोड्स पे। एक स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे इतना सारी चीज़ें लगी होती हैं, ऑटो में लोग बैठे होते हैं, ऑटो वाला थोड़ा गुस्से में है, साइकिल पे कुछ कोई कुछ बेच रहा होता है, बच्चा अपने भाई या पापा के साथ होता है, एक स्कूल बस खड़ी होती है। तो ये सब ऐसे होते हैं ना कि इनकी पिक्चर्स बस प्लस इनका जो टेक्स्ट होता है ना उनसे बच्चा बहुत अच्छे से रिलेट कर सकता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि ये फॉरेन राइटर्स की बुक के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ती आती हैं, मतलब आपको एक अच्छी चीज़ मिलती है और काफ़ी कम दाम में मिलती है। कंटेंट वाइज, इसका प्रिंट वाइज, क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, पर प्राइस काफ़ी कम होता है। ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यूज़ हैं। ये बुक्स मैंने अपने पैसे से अपनी बेटी के लिए ली थी, जब से वो 5-6 महीने की थी तब से लेनी शुरू कर दी थी और ये बिल्कुल भी बायस्ड नहीं है। तो ये था मेरा आज का वीडियो हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल बुक्स पे, पार्ट 1। पार्ट 2 का इंतज़ार करिएगा और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। साथ में आपके पास अगर कोई ऐसी बायलिंगुअल बुक्स हैं जो इस लिस्ट में नहीं है लेकिन आपको बहुत अच्छी लगती हैं तो उसके नाम भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और व्यूअर्स को भी फ़ायदा होगा। देखते रहिए यूट्यूबर इंडिया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा ऐसे और वीडियोज़ बनाने का। धन्यवाद।